हमें भैया कोहली भाई, हमें यार गजब हो गया, हमें तुम्हारी टीम फाइनल में पहुंच गई। मैं भैया क्या नाम है रोहित भाई, हमें क्या से क्या हो गया, देखते देखते में हमें तुम्हारे साथ तो प्रैंक हो गया। मैं सुशीली के बताओ, मैं हरमन दीदी के आउट होते ही 12 नहीं बने तुम्हारी टीम से, मैं बताओ छी छी यार। हमें भैया हमें वो जियो भाई, जियो और सीबी की शेरनी हो भाई, मजे आ गए हमको हारा। मैं तुम लोगों ने जीत के फाइनल में जो तगड़ी तरीके से एंट्री की है ना भाई, मजे ही मजे। बताओ आर सीबी की तुम लोगों ने पनौती खत्म कर दी, हमको लग रहा है इस बार फाइनल जीतो तुम लोग। हाँ अबे भैया शिकवा नहीं किसी से, मैं कोहली हमको तो किसी से भी गिला नहीं है भैया। हरमन देखो तुमको रोने गाने की भाई कोई ज़रूरत नहीं, पिछली साल हम लोग चैंपियन थे ना, कोई बात नहीं अगली साल फिर से खेल लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार आरसीबी को मौका मिलना चाहिए। हाँ अरे रोहित भैया हम लोग फाइनल में जाते जाते रह गए, हाथ में पकड़ा मैच, हम लोग हार गए हमारी गलती से हार गए, हम छक्के मारने के चक्कर में आउट क्या हुआ, इन लोगों से 12 रन नहीं बने। बताओ 12-13 गेंद पे 12 रन नहीं बने इन लोगों से। हाँ अरे कोई बात नहीं भाई हरमन, अरे तुम ही हमेशा जीतोगे, कभी हमारी लड़कियों को भी तो मौका मिलना चाहिए भाई। WPL का दूसरा साल कम से कम हमारी टीम फाइनल में तो पहुंचे, ऐसे मैच IPL में भी हम लोग दूसरे साल में फाइनल में पहुंचे थे। हाँ लेकिन तो स्मृति इस बार तुमको फाइनल जीतना भाई, हम लोग फाइनल हार गए थे तब से पनौती नहीं उतर रही है। अरे हाँ हाँ कोहली भैया हम लोग कोशिश तो पूरी तरह से करेंगे, कहें कि इस बार जो 135 रन पे हम जीते हैं आज ना, सबसे लोवेस्ट स्कोर है जो किसी भी टीम ने WPL में डिपेंड किया। और इलीश पैरी जब तक खेल रही है ना तब तक तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता, पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेली थी। अरे पंत जी देखो आ गई यार सीबी इस बार आ गई, मुंबई से हम लोग पिछली बार हार गए थे ना, देखो मुंबई से इस बार हारने का कोई मौका ही नहीं है, इस बार तो हमको RCB मिलेगी सीधा, RCB को हरा के इस बार हम फाइनल जीतेंगे। हाँ अबे लो अब इनको बीच में कूदने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है। अबे पंतवा समझा दे अपनी इस कप्तान की, क्या नाम है इसका, मैकलेनिंग। अरे इस मैकलेनिंग को समझा दे भाई, हमारी टीम को भी थोड़ी देर खुश रहने दे। हाँ ये क्या नाम है, इलीशा पैरी बहुत तगड़े फॉर्म में चल रही है भाई, अभी जब तक खेलेगी हम जीतेंगे। अरे कोहली जी लेकिन कब तक, हमारी टीम में और भी तो एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी हैं, लेकिन हम कब तक ही चलेंगे बताओ। वो सूफी डिवाइन, वो तो पूरा टूर्नामेंट खत्म होने वाला है, आज तक कोई इनिंग बढ़िया से नहीं खेली है, बताओ कब तक अपने दम पे हम मैच जिताते रहेंगे। हाँ अरे अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम भी अपनी टीम की तरफ से मैच IPL में देखते नहीं हो तुम लोग, देखो किस तरह से हम खेलते हैं, अकेले अपने दम पे मैच जिताते हैं, लेकिन तुम लोगों के पास तो एक बढ़िया मौका गोल्डन चांस हाथ में लग गया, कल एक बार तुमको और बढ़िया खेलना फिर ट्रॉफी अपने हाथ में। हाँ हमें भैया काम है भैया कोहली, हमें नाना यार मैं इसे हलवा समझ रखे हो, मैं हमें हरमन दीदी को तुमने दुखी कर दिया, हमें हरमन दीदी का बदला हमारी टीम लेगी तुमने हल्के में ले रखा, स्मृति दीदी का रोने का नंबर आ रहा है अगली मैच में कि हल्के में लियो तुम।